अच्छा जी, हमारी खैबर कंप्लीट हो गई है गाड़ी। अब मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये इसका जी मीटर ठीक है, तो ये जी बिल्कुल बेहतरीन साउंडलेस, और इसमें पावर स्टीयरिंग भी हमने लगा दिया था, कुछ पोशिंग वगैरह का भी हमने कर दिया था इसमें भी। हमने जो विड्स का था कपड़ा उसी से हमने इसकी पोशिंग की है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें हो गया। ये जी, और ये इसका पावर स्टीयरिंग आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार रॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शाह अफशा है। तो जनाब, आज मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा अल्टो के बारे में, और जो दूसरी जो हमारी इलेक्ट्रिक पैडल वाले जो प्रोजेक्ट था अल्टो का वो कंप्लीट हो गया। दूसरा जो महरान का था इलेक्ट्रिक पैडल वाला वो भी तकरीबन कम्प्लीट है। उसमें हमने इंटीरियर का सारा कुछ कर दिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा एक भाई दो पूछ रहे थे यार शराड के जो दोनों प्रोजेक्ट हैं वो कहाँ तक पहुँचे, तो उनके बारे में आप लोगों को मैं ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो जी शराड है इसके बारे में बताता हूँ आपको। यार इसमें हमने इंजन की प्लेसमेंट्स वगैरह कर दी थी, लेकिन मसला इस प्रोजेक्ट में हमें ये आ रहा था कि इसमें ऑलरेडी किसी ने बंदे ने काम किया हुआ था, और बहुत मुश्किल से इसको हमने सेट किया है। इसके अपने ही ये देखें दरवाज़े, इनको हमने अंदर अंदर से ये सारे गले हुए थे, तो अंदर अंदर से हमें इसमें पीसेस लगाने पड़े, वो तीनों वो बाकी ये पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से इसको हमने सेट किया है। बाहर से तो चलें हो जाता है, लेकिन ये अंदर के जो पीस है ना, ये और ये जो शराड है इसके दरवाजे भी मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक जो प्रोजेक्ट था इसका बॉनेट और डिग्गी हमें बड़ी मुश्किल से मिली थी, ठीक है। तो ये फिर जनाब इसको हमने अभी बिल्कुल सेट कर दिया है, सारा जितना जंग वगैरह था वो सारा ख़त्म कर दिया। इसी तरह बाकी भी तीन दरवाजे वो सामने हैं, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह इसको फिटिंग सुबह इसकी करेंगे, बल्कि इसको पेंट करके ही एक दफ़ा में ही पेंट करके और फिट करेंगे। अंदर से गाड़ी पेंट होगी, अभी सिर्फ अब यह है कि फ्रंट का हमने जिधर जिधर अल्ट्रेशन की थी इंजन के लिए उसकी सेटिंग बाकी है। इसमें हम 1300 सीसी का इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं K3 पासो का, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह सून इस पे पेंट का काम 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगा। बाकी ये जो शराड है इसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं ABS। अब ABS इंस्टॉल करने के लिए हमें पीछे भी हब और वो पूरे डिस्क व्हील का जो सारा सिस्टम है वो इंस्टॉल करना पड़ा है। इसमें हम लगा रहे हैं विड्स का, जो कि छोटा करके सेटिंग्स बना के ट्यूब को कंप्लीट वो सारा उसको प्रेस से हम सेट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए अभी फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट जो है ना वो डिले है, कि वो सारी चीज़ें आके सस्पेंशन एक दफ़ा हम इसकी एक दफ़ा ओके करके सेटिस्फाइड हो जाएँ, ताकि उसके बाद ऑनवर्ड बाकी सारी चीज़ें शुरू कर दें, ठीक है। इसके अलावा अल्टो का जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है सरगुदा से, ठीक है। तो इसमें अब हम कर ये रहे हैं कि इसमें से इंजन रिमूव करके और हम दूसरा इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें ये सारा हमने इसमें से रिमूव कर दिया है, सारी सेटिंग्स वगैरह दोबारा करेंगे, सारा कुछ दोबारा से होगा। और ये जो गाड़ी है ये बॉडी वाइज बड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, एक्सीडेंटल नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें 1000 सीसी का इंजन इंस्टॉल करना वो सूटेबल रहेगा। तो इसमें अब फर्दर हम वो कर रहे हैं, इसके आपके मैं लॉक्स वगैरह दिखा देता हूँ, और अभी आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसके लॉक्स की सेटिंग्स हमने दोबारा से की हैं सारी, ठीक है, चारों दरवाज़ों की ये देखें, ठीक है। इसमें जैपनीज़ लॉक्स हमने इंस्टॉल कर दिए हैं कम्प्लीट चारों दरवाज़ों में। तो अभी इसकी साउंड चेंज हो गई है, सारी सेट कर दी है, ठीक है। तो अब फर्दर इसमें इंजन की सेटिंग्स वगैरह सारी एसी की, और तकरीबन आप ये कह लें हर एक चीज़ दोबारा से रीमॉडिफाई हो जाएगी इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो सुबह इंशाल्लाह इसकी थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं, और फिर इसमें से वायरिंग्स वगैरह सारी उस हिसाब से सेट करके फिर इंशाल्लाह इसमें दूसरा इंजन इंस्टॉल करेंगे, ठीक हो गया। महरान का आपको बता देता हूँ, ये तकरीबन हमने अंदर से कंप्लीट पेंट कर दिए दरवाज़े, हमने वो सामने पड़े हैं दरवाज़े भी अंदर से पेंट हो गए हैं, सुबह इंस्टॉल हो के इंशाल्लाह। तो ये भी इंशाल्लाह बाहर से इसको हम पेंट का काम तकरीबन एंड ही लगा हुआ है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
तो बाकी मज़दा का आपको देख रहे होंगे, हमने इसको फ्रंट से जनाब ड्रॉप कर दिया है, डेड ड्रॉप कर दिया, बैक साइड से भी डेड ड्रॉप कर दिया है। फेंडर के जो हमने जो एक्सटेंशन बनाए थे अभी हमने ड्रॉप कर दिए, तो मज़ीद इसमें अभी हमने कुछ चीज़ें सेटिंग्स करनी है। और अभी भी गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल आप कह लें कि इसमें भी हमने पेंट का काम करना है, लेकिन फिर भी गाड़ी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लुक दे रही है। ठीक है, तो ये सीन है जनाब। इसके अलावा जी वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है, इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बलिनो में हमने सस्पेंशन सारा खोला हुआ था, अभी ये वापस जोड़ें, कंप्लीट सस्पेंशन का हमने चीज़ें वगैरह की हैं इसमें से, रॉड्स वगैरह सारी चीज़ें, तो ये इंशाल्लाह कल तक इसको हम मैकेनिकली ट्यूनिंग वगैरह छोटी मोटी और चीज़ें ये कंप्लीट करके इंशाल्लाह इसको भी एक से दो दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं आपको मेहरान दिखाता हूँ। अच्छा जी, मेहरान जनाब कहाँ तक पहुँची, मेहरान में हमने इंटीरियर का सारा कुछ कर दिया, सारा कुछ हो गया इसका, नीचे की पोशिंग, इसके अलावा सीट्स हमने इसमें इंस्टॉल कर दी हैं, सारी चीज़ें इसमें, गत्ते शत्ते ये देख रहे होंगे आप, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। बस अब ये गाड़ी जनाब इसमें पावर स्टीयरिंग रह गया और मीटर रह गया, और बस बाहर से कंपाउंड होनी गाड़ी रह गई है। तो इसके अलावा हमने इसमें ब्रेक सर्वे भी इंस्टॉल कर दिया था, ब्रेक सर्वे भी लग गया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें हमने इलेक्ट्रिक पैडल वाला इंजन लगाया, जिन भाइयों को नहीं पता, ठीक है। सो ये भी जी तकरीबन कंप्लीट है, सही हो गया। तो ये सीन है जी आज का। अच्छा जी, मज़दा का आपको मैं मज़ीद कुछ बताता हूँ कि इसमें हमारा क्या प्लान वगैरह क्या है। तो जी ये फ़िलहाल तो हमने इसको कर दिया है लो, लोअर स्प्रिंग्स पर ही, फ्रंट पे और पीछे इसकी कमानियाँ होती हैं, ठीक है। और अब करना ये है कि जी इसमें एंड्रॉयड पैनल भी लग गया था, और करना ये है कि इसका जो पोशिंग वगैरह ये मुझे पसंद नहीं आ रही, तो इसकी कंप्लीट पोशिंग हम चेंज करेंगे इन ब्राउन, जो ब्राउन कलर का है वो कंप्लीट इसकी पोशिंग होगी, इसमें सीटें वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल, डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड की कंप्लीट रैगजीन, फिर ये इसको भी चेंज करते हैं। और प्लस इसकी जो लाइटिंग है ना वो कोई ख़ास मुझे मीटर कोई पसंद नहीं आ रहा, तो मीटर भी देखते हैं कोई अच्छा सा इसमें लगाते हैं, ठीक है। सो बाकी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाहर से इसमें इसमें अच्छा बताता चलूँ, इसमें पावर स्टीयरिंग भी है, पावर विंडोज़ भी हैं, ठीक है, और जो साइड मिरर्स हैं ना वो भी रिट्रैक्टेबल लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें ये बटन शटन लगा हुआ है, सारा सिस्टम हुआ हुआ है। सो इसमें मज़ीद जो है ना मैंने ये सोचा हुआ है कि साउंड सिस्टम इंस्टॉल हो गया, इंटीरियर इसका करेंगे, एक्सटीरियर में जो है ना इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे, और बिल्कुल जो सिंप्लिसिटी जो नीट एंड क्लीन होती है ना गाड़ी बाहर से उसी तरह, ठीक है, तो वैसे रखेंगे इंशाल्लाह इसको। और मज़ीद भी इसमें जो भी छोटी मोटी चेंजेस है इसमें फर्दर, मैंने इंजन मैनुअल है तो फ़िलहाल तो ये मैनुअल चल रहा है, मैंने इसको ऑटोमेटिक करना है, लेकिन ऑटोमेटिक मैंने इस तरह से करना है कि यार वो इंजन बेहतरीन भी हो, पावरफुल भी हो, और जो है ना एवरेज भी वाइज भी अच्छा हो, ठीक है, जो कि इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है K3 का जो इंजन है वो अच्छा है, तो उसको मैंने करना है इंस्टॉल इसी मज़दा में। लेकिन करना यह है कि फिर उसको मैंने रेयर व्हील में उसको करना है इंशाल्लाह, तो प्लान ये है मेरा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और मज़दा के व्लॉग्स अगर देखने हैं आपको तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।